दोस्तों काफ़ी सारे किसान पूछते रहते हैं कि मिर्च की खेती में हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे या फिर कितनी मात्रा में डालेंगे, और उसके अलावा उस खाद के डालने के बाद क्या हमारा पौधा सटीक तरीके से ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर जो बाद में जाके फ्लावर आएगा, जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा क्या। तो इसके बारे में काफ़ी सारे किसान चिंतित रहता है और काफ़ी सारे किसान कमेंट भी करते रहते हैं कि कौन सी समय पर कौन कौन सी खाद को हम लोग मिर्च की खेती में डालते हैं ताकि हमारे फसल का ग्रोथ होगा सही तरीके से या फिर फल फूल सही तरीके से आएगा। तो अभी हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि मिर्च की खेती में मतलब शुरू से लेकर एंड तक की कितने प्रकार की खाद को आप लोगों को कौन सी समय पर डालना है, पूरे डिटेल्स में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों मिर्च का खेती जब हम लोग करेंगे उससे पहले खेत को तो हम लोग तैयार करते हैं रोटावेटर से, उस समय पर आप लोगों को गोबर की खाद को डालना है। तो गोबर की खाद को आप लोगों को कितना डालना है, तो एक एकड़ के हिसाब से यहाँ पर हम जो जानकारी दे रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से, एक एकड़ में आप लोगों को लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी तरीके से खेत के अंदर मिला देना चाहिए, और उसके बाद रोटावेटर को चला देना चाहिए ताकि आपके फसल में बाद में जाके लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग मिल सके। इसीलिए गोबर की खाद बहुत ही मायने रखता है। अब बात कर लेते हैं गोबर की खाद को तो डाल दिया, उसके बाद हम लोग जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस समय पर कौन सी खाद को डालना है। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे जो बेस्ट खाद होता है वो होता है डीएपी खाद। तो डीएपी खाद का जो मेन काम होता है कि जब शुरुआती अवस्था में पौधा को लगाते हैं हम लोग डीएपी खाद से, तो वो पौधे से ज़्यादा फुटाव ले आने के लिए डीएपी खाद बहुत ही अच्छा सहायता करता है। इसीलिए डीएपी खाद को डाल के आप लोगों को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, और उसके बाद जैसे लगभग आप लोगों का फसल 10 से 15 दिन हो जाएगा तो उस समय पर हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे और कौन सी खाद को क्या काम होता है वो भी आप लोगों को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस समय पर आप लोगों को डीएपी खाद को लेना है लगभग 40 से 45 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड को लेना है आप लोगों को 5 से 6 केजी, और उसके साथ साथ ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को भी आप लोगों को लेना है। तो ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड आप लोगों को बाजार में बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो करना है ब्रांडेड कंपनियों का जो ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड आता है जैसे कि काटा फाइडोक्लोराइड 4% जीआर आता है या फिर जो पिप्रोनिल आता है, लेकिन मिर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो खाद होता है ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड में वो होता है आप लोगों का पिप्रोनिल। तो पिप्रोनिल में आप लोगों को बाजार में रिजेन अल्ट्रा मिल जाएगा बायर का, उसको आप लोगों को लेना है 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और उसको डालने से यही फायदा होता है कि आपके मिर्च के पौधे में जब लगभग 40 से 45 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को लिपकाल का प्रकोप देखने को मिलता है, यानी जो सकिंग पेस्ट होता है उसके वजह से लिपकाल वायरस होता है, तो उसको नहीं होने देता है अगर आप लोग शुरू से पहले से रिजेंट अल्ट्रा को डाला हुआ रहता है। तो इसीलिए रिजेंट अल्ट्रा को आप लोग डाल सकते हैं मिर्च के पौधे में। और ह्यूमिक एसिड जो आप लोगों को बताया है, ह्यूमिक एसिड को इसी समय पर हम लोग क्यों डालेंगे, तो ह्यूमिक एसिड को आप लोग 5 से 6 केजी इसीलिए बोले कि शुरू अवस्था में आप लोगों का रूट का डेवलपमेंट करना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट अगर शुरुआत से आप लोगों को नहीं करते हैं तो पौधा तेजी से आप लोगों का ग्रोथ नहीं होता है, पौधा का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। इसीलिए आप लोगों को रूट का डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमिक एसिड सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस तीनों को आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर आप लोगों को डालना है, एक तो डीएपी खाद को 40 से 45 केजी और एक ह्यूमिक एसिड को 5 से 6 केजी, और उसके साथ साथ ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को 4 से 5 केजी, और इस तीनों को एक साथ में मिला करके आप लोगों का फसल में 10 से 15 दिन जब हो जाएगा उस समय पर डाल के आप लोगों को पानी चला देना चाहिए ताकि आपका फसल में सही तरीके से ग्रोथ हो और बाद में जाके आप लोगों का फल फूल भी ज़्यादा आ सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे आप लोगों का मिर्च का फसल लगभग 20 से 25 दिन हो जाएगा उस समय पर हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे और किस चीज़ के लिए डालेंगे और कितनी मात्रा में डालेंगे वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले जब आप लोगों का फसल 20 से 25 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को एनपीके खाद को लेना है लगभग 50 से 60 केजी। एनपीके में आप लोगों को 10-26-26 को भी ले सकते हैं या फिर आप लोग 12-32-16 जो आता है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन 50 से 60 केजी लेना है। एनपीके को हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीन जो पोषण होता है वो आप लोगों को एक ही खाद में मिल जा रहा है, और एक पौधे को ग्रो करने के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है एनपीके, और इसीलिए एनपीके को इस समय पर डालना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद इस समय पर आप लोगों को ग्रोथ का भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि पौधा अगर सही तरीके से इस समय ग्रो नहीं करेगा बाद में जाके आप लोगों को फल फूल नहीं देगा, इसीलिए इस समय पर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट नाइट्रोजन होता है जो कि हम लोग यूरिया नाम से जानते हैं। तो यूरिया को लेना है आप लोगों को इसीलिए 20 से 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर सीवीड ग्रेन्यूल्स को लेना है लगभग 10 से 12 केजी, क्योंकि सीवीड ग्रेन्यूल्स क्या करता है, सामुद्रिक शैवाल से ये बना हुआ खाद होता है, 40 से 45 प्रकार की पोषक तत्व तो इसके ऊपर मिल जाता है, और सीवीड ग्रेन्यूल्स को अगर आप लोग डालते हैं तो पौधे के अंदर ज़्यादा फुटाव मिलते हैं,
पौधे में जाके बाद में आप लोगों को फ्लावर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए सीवीड ग्रेन्यूल्स को आप लोगों को डालना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग इस समय पर मैग्नीशियम सल्फेट को डाल देते हैं लगभग 5 से 6 kg पर एकड़ के हिसाब से, तो बाद में जाके जो पत्ता पीला होता है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को 5 से 6 kg मिला देना चाहिए। तो इस 4 खाद को एक साथ में मिला करके आप लोगों को डाल देना चाहिए और उसके बाद पानी चला देने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मिर्च का फसल जैसे लगभग 40 से 45 दिन हो जाएगा तो उस समय पर आप लोगों को थर्ड खाद डालना है। थर्ड खाद में हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे, कितने मात्रा में डालेंगे और इसको डालने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस समय पर थर्ड खाद में आप लोगों को DAP खाद को लेना है लगभग 50 से 60 kg पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ आप लोगों को MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है 20 से 25 kg, क्योंकि पोटास को हम इसीलिए ले रहे हैं कि इस समय पर फल जो आता है वो आप लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है पोटास को डालने से, और फल का जो वजन होता है, फल का जो कलर होता है वो भी आप लोगों को अच्छा रखता है पोटास को डालने से। इसीलिए पोटास को आप लोगों को डालना इस समय बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद आप लोगों को बाजार में बहुत सारे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को एग्रोमिन सोयल मिल जाएगा या फिर आप लोगों को ट्रास्को कंपनी का क्वालिटी स्पेशल भी मिल जाएगा। इसमें से किसी को एक को ले सकते हैं और इसको आप लोगों को 5 से 6 kg लेना है, क्योंकि देखिए इस समय पर हम लोग पोषक तत्व खाद को डालना इसीलिए ज़रूरी है कि एक पौधे को ग्रो करने के लिए लगभग 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है। और उसमें से जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है NPK, जिसको तो हम लोग डाल ही रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है। और उसके बाद जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो कि आप लोगों को कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होता है, वो भी तो हम लोग डाल ही रहे हैं। और उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो आप लोगों को इस खाद में मिल जाएगा, और इसीलिए इसको आप लोगों को डालना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट को डालना बहुत ही जरूरी है। अब सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कितने मात्रा में डालेंगे, तो दोस्तों सल्फर बेंटोनाइट को आप लोगों को लगभग 5 से 6 kg डालना है। सल्फर बेंटोनाइट में आप लोगों को 90% सल्फर मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मिर्च के पौधे में रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादातर लगता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, और इसीलिए सल्फर को अगर डालते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ताकि आपके फसल में ज़्यादा प्रकार की रोग नहीं लगेगा। और उसके अलावा अगर आप लोग सल्फर को डालते हैं तो इसमें आप लोगों को मकड़ियों का प्रकोप भी कम देखने को मिलेगा, या फिर जो पत्तियों का हरापन होता है यानी जो पौधे का कलर होता है वो भी आप लोगों को ज़्यादातर ग्रीननेस देखने को मिलेगा सल्फर डालने से। तो इसीलिए आप लोगों को सल्फर को डालना बहुत ही जरूरी है। और इस 4 खाद को एक साथ में डालकर पानी अगर चला देते हैं तो आप लोगों को काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग टाइम टू टाइम खाद डालते हैं मिर्च के फसल में, तो मिर्च का जो फसल होता है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।